हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडे यू आर प्लेइंग सिटी स्काईलाइंस। सो गाइस, वंस अगेन एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ में। सो गाइस, फाइनली हमने अपनी सिटी के अंदर जू बना दिया है और आज अपन उसको मैक्स लेवल कर देंगे। लास्ट टाइम अपन ने लेवल 4 तक हमने कर दिया था, प्लस अपनी सिटी तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल चल रही है और अभी हम लोग हाई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनवाने में लगे हुए हैं और अभी अपनी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है क्योंकि हमने काफ़ी ग्रोथ करवा दी है। ओके, सो आज अपन बेसिकली लेवल 5 अपने जू को करने वाले, प्लस थोड़े यूनिवर्सिटी को भी आज अपन नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे अपना जो है जू पहुँच चुका है भाई लेवल 4, ठीक है। और इसके अंदर अभी अपने को 10,000 विजिटर करने हैं और अभी जो विजिटर्स हैं करंटली वो हो चुके हैं 776, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और धीरे धीरे ये सब इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद अपन लेवल 5 इसको लेके जाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको लेवल 5 पे जाने में, प्लस अपने को इसके अंदर फिर बाकी की बिल्डिंग है जो अपने पास हैं वो सभी इसके अंदर फिल करवानी, राइट। आई थिंक दो बिल्डिंग्स अपने पास बची हुई हैं जो लेवल 5 के लिए हैं और आज अपन उनको भी सेट कर देंगे। सो अपनी सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन का जो हो चुकी है वो हो चुकी है 28,000, ठीक है। अभी थोड़ा यूनिवर्सिटी पे चल के देख लेते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे लफड़ा था। ओके, सो यहाँ पे एकेडमिक वर्क्स जो है अपने को 8 चाहिए और यहाँ पे 7 हो चुके हैं, तो डेफिनेटली यार अब की बार अपने को वो मिल जाएगा। ओके, और इजीली अपन ये कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट कैपेसिटी 1200 चाहिए थी, अपने पास 1700 है। कैंपस अट्रैक्टिवनेस 900 चाहिए, अपने पास 965 है। और धीरे धीरे हम लोग प्रॉफिट भी बना रहे हैं यहाँ से। सो देखते हैं, आई थिंक ये बार फुल होते ही मे बी अपन नेक्स्ट लेवल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो रिसेंटली हमने यहाँ पे एक हाईवे भी सेट करा था, ओके, और ये हाईवे चल रहा है कहीं ज़बरदस्त, ओके, एकदम बढ़िया चल रहा है हाईवे और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है यहाँ से भी मैनेज हो रहा है एंड यहाँ से एंड से भी मैंने कनेक्ट करा हुआ है। आई थिंक यार अपने पास कोई टाइल तो अनलॉक नहीं होगी, राइट। मेरे को टाइल चाहिए यार। ओके, टाइल तो अपने को चाहिए ही लेकिन वो अभी अनलॉक नहीं होगी भाई। यहाँ पे क्या सीन चल रहा है यहाँ? अच्छा, यहाँ पे आग लग गई थी यार, एक तो गड़बड़ होगी, बिल्डिंग ही जल गई है भाई सीरियसली। आई थिंक एक छोड़ देता हूँ मैं, देखता हूँ कि ये अपने आप बन जाएगी क्या, ठीक है। सो लेट्स सी। प्लस एक सिटी के अंदर यार देख रहे हो यहाँ पे वाटर की दिक्कत आ रही है, ठीक है। सो फटाफट चल के वाटर का इशू सॉल्व कर लेते क्योंकि यहाँ पे वाटर का लफड़ा वो पड़ा है। देख रहे हो यहाँ पे अपना जो पंपिंग कैपेसिटी वो 363 है जबकि 371 कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। सेम टू सेम सर्विस का है, तो जल्दी लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, इससे पहले हम लोग इसका जुगाड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये है टैंक रिजर्वायर, ठीक है। बड़े देश इको इनलैंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओके। सो इससे 60,000 कैपेसिटी अपने को मिल जाएगी वैसे देखा जाए तो, ठीक है। और इससे कितनी मिल रही थी? 1,60,000 मिल रही थी यार, तो फिर यही बनवाता हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे दो बन सकते हैं क्या? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बनवा देंगे मे बी नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब की बार ये वाला बड़ा वाला है। सो क्योंकि ये नॉर्मल था छोटा वाला अपना, और ये जो है ज़्यादा बड़ा है। आई थिंक इसकी वो भी कम होगा, कैपेसिटी कम होगी इसकी डेफिनेटली। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो इसकी कैपेसिटी अपनी थी 161, ओ नाइस। और इसकी 120, 121 ही ओनली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक इशू तो अपना हो गया फिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे 525 कैपेसिटी अपनी हो चुकी है, नाइस। सो अभी पंपिंग कैपेसिटी का और देख लेते हैं। सो पंपिंग के लिए तो आई थिंक यार ये पंप ही बेस्ट है ना, सो इसके लिए अलग से अपने को कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है। सो फिलहाल के लिए मैं बनवा देता हूँ यहीं पे एक और, ठीक है। चलो भाई, कितनी कैपेसिटी हो गई भाई दिखा दो जल्दी से, कनेक्ट करो इसको। 484 हो चुकी है, ठीक है। और आई थिंक 484 जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे तो तब देख लेंगे यार, ठीक है। ओ भाई यहाँ पे क्या हो गया डूड, इतना ज़बरदस्त जाम किस लिए लगा है ब्रो? ये गाड़ी को क्या हो गया डूड, सीरियसली ये भाई ये कहीं ना कहीं बग तो हो ही जाता है भाई। वो गाड़ी सीरियसली यहाँ पे खड़ी हुई थी लिटरली, और उसकी वजह से पूरा जाम हो गया यहाँ से, पूरा एरिया ये देख रहे हो कंप्लीट जाम लग चुका है ये वाली दो तीन सड़कों पे। सो चलो भाई जल्दी ये खाली भी हो जाएगा। और यहाँ पे यूजुअली जो है ट्रैम का बग होता है यार, ओके, अब की बार एक व्हीकल का बग हो गया सीरियसली ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था भाई। ओके, तो यहाँ पे अच्छा ये तो लेवल 5 अपना ऑलरेडी, और अच्छा खासा एक प्रॉफिट भी दे रहा है, नाइस। तो चलो भाई इधर आ जाते हैं, ठीक है।
ओ भाई इधर क्या हुआ? अच्छा यहाँ पे गाइज वाटर वाली दिक्कत आ गई थी आई थिंक। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार चल के। पानी वाली इशू, पानी वाला इशू आ गया था यहाँ पे। तो मेरे को ये यहाँ से लोग छोड़ के चले गए भाई, मेरे को ये फिर से बनवानी पड़ेगी बिल्डिंग। ओके क्योंकि काफ़ी टाइम से वाटर नहीं था यहाँ पे। चलो इसके अलावा कोई और भी बिल्डिंग है क्या? मे बी नहीं है। बढ़िया। नेक्स्ट आज अपन देख लेते हैं भाई। यहाँ पे देख रहे हो कितनी सारी डिमांड आ रखी है यहाँ पे इंडस्ट्री की। तो भाई करना तो बहुत कुछ है आज अपने को। ओके करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। एंड एक बारी मैं यहाँ पे चल के देख लेता हूँ ज़रा इलेक्ट्रिसिटी का क्या सीन है। 338 कंजेशन, 275। ओके नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे गारबेज, 194 गारबेज प्रोडक्शन हो रहा है अपना, ठीक है। और प्रोसेसिंग कैपेसिटी 193 है अपने पास। सो डेफिनेटली यार मैं गारबेज का जरूर देखना चाहेंगे। यहाँ पे ये क्या है? वेस्ट ट्रांसफर फैसिलिटी, और ये है अपना वेस्ट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यार इसको मैं काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए ना, ये पोल्यूट करेगा, अदरवाइज तो मैं ये बनवा देता वैसे। वैसे यार देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला बेस्ट रहेगा। ओके बिकॉज ये यहाँ से ना वेस्ट कलेक्ट कर सकता है सिटी के अंदर से ना। ओ भाई नाइस, अच्छा आइडिया तो अच्छा है। तो चलो इसको भाई बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो एंड एक रोड उठा लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। आई थिंक ये वाला रोड ही चल जाएगा। और शायद से यहाँ से या फिर इसके पास है समथिंग लाइक दिस। ओके एंड थोड़ा इधर भी कर ही लेते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था यार यहाँ पे ले आता हूँ। ओके सो जस्ट गिव मी सेकेंड, समथिंग लाइक दिस। ओके चलेगा इतना तो चलेगा। चलो भाई अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक रोड और देनी है थोड़ी आगे चल के, थोड़ा सा स्ट्रेट एक रोड और निकालेंगे, प्लस लेफ्ट या राइट कर लेंगे इधर से, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। ओके सो अभी अपन जाने वाले हैं यहाँ पे गारबेज ट्रांसफ़र फैसिलिटी पर, ठीक है। तो डेफिनेटली अपन बाद में चल के यहाँ से इंक्रीज करवा लेंगे। और इसका साइज 250 है, ठीक है। पहली बार हमने ये बिल्डिंग बनवाई है यहाँ पे। अरे यार मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हटाना था मेरे को यहाँ से। एंड यू ऑल्सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आज मैंने यार डे नाइट वाला ऑन रखा हुआ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से बंद रखा हुआ था। थोड़ा सा स्मूथ मारेंगे इधर से, ठीक है। चलो भाई यार देखने में तो कितनी औसम लग रही है ये फैसिलिटी। ओके तो बेसिकली ये प्रोसेस नहीं करेगी, ये सिर्फ कलेक्ट करेगी। ओके एंड अभी ये सब कलेक्ट तो कर लेगी, लेकिन यार अपने को एक प्रोसेस करने के लिए भी जगह चाहिए। ओके उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि ये यहाँ पे जगह पड़ी हुई है थोड़ी सी, राइट, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग अच्छा खासा वो भी। ओके लेट्स गो हियर, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट में कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना है। लेट्स सी भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है भाई। चलो यहाँ पे बनवा देते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस कि यहाँ से एंट्री अपन ले सकते हैं, ठीक है, और एग्जिट इस साइड से कहीं से ले सकते हैं, ऐसा कुछ करने का मैं सोच रहा था। वन वे बनवा देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको, ठीक है। लेट्स सी वन वे का कुछ मिल जाएगा क्या अपने पास? आई थिंक जे वाली रोड उठा लेता हूँ सिंपल, ठीक है, वन वे हो जाएगी अपनी रोड, और इसी को लेके चलते हैं। चलो भाई ये हो चुका है यहाँ पे सेट, ठीक है, अब भी आई थिंक सही है। चलो ठीक है, और अभी क्या टाइम हो गया भाई? दिन भी होने वाला है आई थिंक, यस दिन भी होने वाला है। अपने को यहाँ पे वाटर पहुँचाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे भी यार वो कॉम्प्लेक्स पे मैंने देखा नहीं कि वहाँ पे प्रोसेसिंग सॉरी ट्रांसफ़र फैसिलिटी पे हमने वाटर दिया था कि नहीं दिया था। एंड पावर कनेक्टेड है इधर, बढ़िया, इधर वाटर का कोई सीन तो नहीं है ना? नहीं, चलो बढ़िया। अभी अपना सीन सही रहेगा। ओके बिकॉज जहाँ पे देख रहे हो ट्रक्स है ना, जो यहाँ पे फुल रहेगा, ठीक है। एंड ये वाले ट्रक्स बेसिकली क्या करेंगे कि ये सिटी के अंदर से लेके आएंगे, ठीक है, जितना भी आरबी सिटी के अंदर रहेगा। ओ नाइस, अकेडमी की यार अपने को +3 मिलियन 10 हो गए पर डे, या एंड अपना लेवल भी इंक्रीज हो चुका है। बाय द वे यहाँ पे यार पावर का इशू क्यों आ रहा है? 368 कंजप्शन, सीरियसली माई गॉड, वी नीड वन मोर पावर प्लांट, ठीक है।
यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और एक और जियोथर्मल पावर प्लांट जो है यहाँ पे अपने को बनवाना पड़ेगा क्योंकि पावर की ज़रूरत है भाई। ठीक है, यहाँ पे 81 दे रहा है ये और 81 ही ये देगा। ठीक है, और ये वाला कितना दे रहा है, 242, 2200 ले रहा है ये, 1050। वैसे तो ये वाला बेटर है देखा जाए तो, पर ठीक है फिलहाल के लिए ये मैं चलवा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ताकि अपना जो पावर वाला इश्यू है वो सॉल्व रहे। हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि यहाँ पे जो ट्रक्स है ना 21, ये करेंगे क्या, सिटी के अंदर से गैदर करके लेके आएंगे यहाँ तक। ठीक है, सिंपल। एंड उसके बाद यहाँ से जो व्हीकल्स हैं 16 व्हीकल्स, ठीक है, ये सारे व्हीकल्स जाएंगे और सिटी के अंदर जाके जैसे कि जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जितना भी ये पड़ा हुआ है ना यहाँ से ट्रक लोड कर करके लेके जाएंगे सिटी के अंदर। एंड ऑल्सो यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है, मेनली तो वो यहाँ से लेके जाएंगे लेकिन वो यहाँ से भी लेके जाएंगे। ठीक है, अभी अपने को बार बार ही एम्प्टी नहीं करना पड़ेगा आई थिंक। ओके, इसका एक्चुअली देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ट्रक्स आ रहे हैं। यस, जैसे कि ये, ओ भाई साहब, भाई 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 भाई, भाई कितने बड़े ट्रक्स हैं भाई, क्या ही लग रहे हैं भाई ट्रक। ओके, ओसम यार, ओसम ट्रक है भाई, कितना लंबा ट्रक है एक्चुअली। अब जगह जगह तो रोकना नहीं है भाई, ये ठीक है सीधी फैसिलिटी टू फैसिलिटी अपने को ट्रांसफ़र करना है, तो अपने को बड़े ही ट्रक्स चाहिए भाई। चला भी खतरनाक रहा है बंदा यार भाई साहब जबरदस्त चल रहा है ट्रक। ओके, सिटी का नज़ारा तो भाई एक नंबर है यार, अपनी सिटी का नज़ारा तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे चला के बैठा हूँ। ठीक है, बट मज़ा आता है देखने में यार। ठीक है, और अभी तो यार ये ट्रक का लुक देखो भाई, कितना औसम लग रहा है भाई ये ट्रक, बस इसको बैठ के देखते रहो। और ये देखते हैं इसके बाद एक एक राउंड मार के आते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं कहाँ कहाँ जाता है ये। थोड़ा सा साइड में चलते हैं ताकि अपने को बेटर एंगल मिल जाए। ठीक है, कैमरा को एडजस्ट करके, नहीं, ऐप को भी चेंज नहीं करना भाई। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, लेट्स सी, गायब मत हो जाइए भाई प्लीज़ अबे यार हमने तो एंगल सेट करा था बड़ी मुश्किल से भाई। नाइस, एक ट्रक और आ गया। चलो यार, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे फटाफट हम सेट कर सकें एंगल, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल होने चाहिए कैमरा एंगल्स। चलो भाई फाइनली अब देखते हैं ये वाला ट्रक कहाँ जाता है। ठीक है, और कहाँ से लोड करके आता है। ओके, सो लेट्स सी। चलो भाई, ओ भाई ऑयल का ट्रक जा रहा है यहाँ से। एक राउंड हम मारने वाले हैं सिटी का बेसिकली, देखते हैं कहाँ कहाँ से ये ट्रांसपोर्ट करेगा। बेसिक मेरे हिसाब से तो ये अभी तो आई थिंक फैक्ट्री एरिया पे जाने वाला है, फैक्ट्री एरिया से लेके आएगा क्योंकि उधर वाली जो फैसिलिटी है ना उधर अभी कलेक्ट होना ही स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे अभी फुल तो हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी 6 ट्रक्स अपने चल रहे हैं, 6-7 ट्रक चल रहे थे शायद से। ओ ये सामने से भर के आ रहा है, आई थिंक राइट से भर भर के आ रहे हैं ट्रक्स, राइट। चलो अब ये ट्रक जाएंगे, ओह भाई ये उधर जा रहा है। ओके 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 ओके, चलो ठीक है, थोड़ा देख के आते भाई साहब। ब्रेक भी भाई कहाँ जा रहा है भाई ये ट्रक डूड, देखते हैं जरा भाई। भाई भाई नशे कर लिए भाई, ये वहां से शॉर्टकट रास्ता था तो सही भाई भाई ये बंदे ने सीरियसली हाईवे वाला रास्ता चूज करा है उधर जाने के लिए भाई, क्या सोच, क्या मतलब सोच रहा है बंदा। वाह भाई साहब नज़ारा, क्या ही नज़ारा है। तो भाई तुम बहुत बोलते हो ना कि सिटी टूर करवाया करो भाई बीच बीच में, ठीक है, तो अपन वही कर रहे हैं भाई। ठीक है, देखना है मेरे को कि कौन सी वाली फैसिलिटी पे जाने वाला भाई। ये प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स से तो शायद नहीं उठाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी, मतलब क्या बोल रहा हूँ, ऑलरेडी वो ट्रांसपोर्ट करता है। आई थिंक इसने फिल कर लिया है ये वाली फैसिलिटी से और अभी अपन लोग निकल चुके हैं। ठीक है, मुझे लगा वहाँ पे ट्रक लेके जाएंगे निकलेगा, नहीं, जैसे कि सिटी के अंदर बेसिकली बिल्डिंग रोड से जाता है ट्रक और हर जगह से क्लिक कर देता है। ठीक है, तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे है। इसको रुकने की ज़रूरत नहीं, सीधा उसके पास से गुजरा और कलेक्ट, राइट। तो मैं बात कर रहा था यार यहाँ से जाने की एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से अपने एक शॉर्टकट रास्ता दिया हुआ था, पर पता नहीं इसने कुछ कैलकुलेट करा और भाई हाईवे से आया बंदा चलो भाई सही है।
यार एटलीस्ट एक चीज़ से तो मैं फ्री हो गया बार बार एम्प्टी करने से। ठीक है अभी अपन नॉर्मली लैंडफिल वाला अपन बनवा सकते हैं या फिर अपना जो छोटी छोटी फैसिलिटीज आ चुके ना वो भी बनवा सकते हैं। ठीक है उन दोनों में डिफरेंस यही है कि उस वाले का जो पोल्यूशन है ना वो थोड़े कम एरिया में फैलता है और लैंडफिल वाले का ज़्यादा एरिया में फैलता है। बट लैंडफिल वाली जो साइट है वो अपने को बहुत ही सस्ती पड़ेगी। ओके अगर मनी की बात करें तो एंड जो भी अपना प्रोसेसिंग ना जो ट्रांसफ़र फैसिलिटी वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो अपने को दोनों में से कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है मनी या पोल्यूशन। ठीक है तो दोनों ही बेटर है वैसे देखा जाए तो। बट पोल्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अगर अपनी सिटी के बीच में ज़्यादा जगह नहीं है तो। ठीक है तो उसी के लिए बेसिकली फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो डेफिनेटली यार ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अपन यूज़ करेंगे। सो चलो भाई ये आ चुके हम लोग प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स पे। तो एक राउंड हमने मार लिया और रात भी हो चुकी है और यहाँ से भर भर के जा रहे हैं भाई ट्रक। ठीक है बट यहाँ पे एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी ना वियर्ड लगी कि जो ट्रक यहाँ से घुस रहा है उसको यहाँ से घुसना चाहिए। वैसे मैंने स्पॉन पॉइंट वाला अनलॉक तो करके रखा हुआ है अपन चाहे तो चेंज कर सकते हैं भाई इसका पोजीशन। ठीक है पोजीशन चाहे तो इसका चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी कोई ट्रक आ रहा है तो देखता हूँ मैं ज़रा। आ तो रहा है ये ट्रक। ठीक है लेट्स सी कहाँ पे जाता है। ये जाएगा उधर ही। ओके मतलब क्रॉस इधर से करके जाएगा मुझे लगा था कि इधर से जाए शायद। बट मैं ऐसा करता हूँ इसको ना यहाँ पे ले आता हूँ या फिर इससे बेटर तो यार इधर आ जाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहता। राइट चलो ये वाला ट्राई कर देख लेते हैं इधर एंड इसको थोड़ा यहीं पे रखता हूँ। ठीक है हाँ ये ठीक है स्पॉन राइट। ओके तो अभी फिलहाल 8 ट्रक यूज हो रहे हैं। ठीक है 6 11 ओ नाइस डूड। ये लोग्स वाले इसके अंदर स्पॉन हो क्या है ब्रो जाएंगे किधर ही है। फिश प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्टिंग फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट। ओ ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे सीन क्या चल रहा है कि जो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है ना ये अपने लिए बहुत ही बेनिफिट मतलब काम में आने वाला है। बिकॉज देख रहे यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स सेंड आउट वेस्ट ट्रांसपोर्ट ट्रक्स टू पिकअप गार्बेज फ्रॉम वेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड लैंडफिल साइट्स। ठीक है लेकिन अगर अपन यहाँ पे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है लैंडफिल प्रोसेसिंग। देख रहे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडफिल साइट्स। ठीक है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू एनर्जी एंड रिसाइकल मटेरियल द कॉम्प्लेक्स कैन नॉट डायरेक्टली कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम बिल्डिंग्स। ओके तो डेफिनेटली यार अपने को यहाँ से रिसोर्सेज भी मिलने वाले हैं। ठीक है तो अभी तो यार मैं सोच रहा हूँ कि अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर एक सेकेंड इससे रॉ मटेरियल मिलता है राइट द फैसिलिटी द वेस्ट एंड प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्रॉम इट। ओके इससे रॉ मटेरियल मिलता है ठीक है एंड इससे एनर्जी और रिसाइकल मटेरियल। ठीक है तो ये वाली भी बेटर है और ये वाली बेटर है। ठीक है अभी दोनों ही बेटर है अपने पास राइट। तो मैं सोच रहा था एक बार उसको हटाना पड़ेगा क्या। नहीं बट हटाएंगे नहीं यहाँ से भी अपने को प्रोडक्ट मिलेंगे वहाँ से मिलेंगे। ठीक है सो अभी थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा दिन कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गाइज आई थिंक फॉरेस्ट इंडस्ट्री से। ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने यहाँ पे बनवाया था ठीक है और यहाँ से अपना एक्सपोर्ट भी हो रहा है और हमने आई थिंक इंडस्ट्री यहाँ पे डाल भी दी थी राइट। सो यहाँ पे चल के एक बार देख लेते हैं इंडस्ट्री पेंट इंडस्ट्री एरिया राइट इसके अंदर अपने को बनवा देगा। ओके गॉट इट। सो यहाँ पे ऑलरेडी अपना सेटअप पड़ा हुआ ठीक है ट्रेन आ रही है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्कर भी आ रहे हैं 19 19 20 20 वर्कर यहाँ पे लगे हुए ठीक है। सो अब की बार बेसिकली ये वाली सीरीज के अंदर मैं थोड़ा सा सीन ऐसा करने वाला हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि लास्ट टाइम की तरह पर बहुत बड़ा फैक्ट्री बनवाएंगे। जितना ज़रूरत है ना उसी हिसाब से फैक्ट्री बनवाएंगे सिर्फ अब की बार। ओके देखते हैं क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्री बनवाते हैं ना तो उससे भी लफड़ा ही होता है क्योंकि वो ज़्यादा यूज में होता नहीं है एंड एक्सपोर्ट होता रहता है और फिर बग्स वगैरह क्रिएट होते हैं। ठीक सो चलो आई थिंक अभी अपने को ये प्रोसेस वगैरह करवाना है राइट। सो मैं आ जाता हूँ फॉरेस्ट इंडस्ट्री पे एंड यहाँ पे अपने पास है एक स्मॉल ट्री प्लांटेशन राइट। तो ट्री प्लांटेशन तो यार अपने पास बहुत सारी जगह करवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है राइट। यहाँ पे क्या है सॉ ठीक है द प्रोसेसिंग बिल्डिंग रिक्वायर रॉ मटेरियल रॉ हाँ सॉरी रिक्वायर रॉ फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फॉरेस्ट स्पेशल वुड एंड टिम्बा। ठीक है तो इससे अपने को प्लांट टिम्बर मिलेंगे राइट। तो डेफिनेटली इस बिल्डिंग को अपन लेके आएंगे यहाँ पे एक बिल्डिंग यहाँ पे दो बिल्डिंग
तीन बिल्डिंग, ठीक है, तीन बिल्डिंग्स जो है मैंने यहाँ पे बनवा दिए। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि एक का मूड चेंज कर देता हूँ यार, इसका ना यहाँ से कर देते हैं और इसको सरका देता हूँ थोड़ा आगे, करीब करीब यहाँ पे, ठीक है। बाद में कुछ इनके अंदर इसके बीच में ट्रीज वगैरह लगा के एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी 6 ट्रक्स हैं भाई, निकलो भाई, 6 ट्रक्स निकलो और यहाँ से प्रोडक्ट उठाओ भाई, ठीक है। इसके बाद स्मॉल लोग यार, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास है ऑलरेडी। वेयर हाउस तो हम लोग होने चाहिए ना भाई, हाँ वेयर हाउस अपने पास आ चुका है, राइट। तो वेयर हाउस को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर वेयर हाउस को थोड़ा चेंज करना है, ओके। तो नेक्स्ट भी अनलॉक हो गया वैसे तो, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वाली इंडस्ट्री को मैं सेट कर देता हूँ उधर और वेयर हाउस को ले आता हूँ यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये साइड पे इंडस्ट्री बनाएंगे, ठीक है, ये वाले जगह पे इंडस्ट्री बनाएंगे। आई थिंक ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डन। लेट्स सी, थोड़ा सा सोच सोच के अपने प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वेयर हाउस अपने पास स्मॉल वेयर हाउस बेसिकली ये लॉक्स के लिए, राइट। एक सेकंड बना के देख लेता हूँ ना मैं, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है भाई। तो वे आ तो सब कुछ सकता है इसके अंदर, ओके, 100 टन और 250 टन, ठीक है। सो अपने को छोटा वाला नहीं चाहिए, छोटे वाले को निकाल रहा हूँ मैं बड़े वाले रख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इससे अपने को मिल जाएगा प्लान टिम्बर, राइट। सो प्लान टिम्बर यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इनके अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट पहुँच चुके हैं। सो चार चार बिल्डिंगें मैं सोच रहा हूँ रख लूँ, ठीक है, चलो चार चार बिल्डिंगें मैं रख लेता हूँ, इसके पास में ही बनवा देता हूँ, आई थिंक सेकंड भी, ठीक है। तो चार चार बिल्डिंगें इजीली चल जाएंगी अपनी और यहाँ पे प्लान टिम्बर भी अपने पास आ जाएगा, ओके, कोई सीन नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं और ज़रा देख लेते हैं, 4300 समथिंग हुआ, ठीक है। बट मेरा प्लान था आज इधर का देखने का, वो तो अपन शायद ही नहीं देख पाएंगे आज, ओके। आई थिंक यार सोप्स की जरूरत है अपने को, ओके। ठीक है, तो फिर शॉप्स में बनवा रहा हूँ ये वाले ब्लॉक में, ठीक है, एक डाल देते हैं सिंपल, यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। और भाई ये बच्चों स्टार्ट हो गई है एक बार सड़कों के बीच में, ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा वो बन जाएगा, ओके, कोई सीन नहीं है। एंड बाय द वे कैंपस एरिया का क्या सीन अभी नेक्स्ट के लिए, 1800 अपना 1900, ठीक है। ओ माय गॉड, अपने को अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज करना पड़ेगा गाइस, ओके। सो आई थिंक ये एपिसोड तो अपना मिक्स ही हो जाएगा पूरा, चलो देखी जाएगी। सो यहाँ पे सॉरी इधर आना था मेरे को एंड यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये वाले पे। सो यहाँ पे हमने भाई कौन कौन सी बिल्डिंगें हैं जो अनलॉक हुई है अपनी, ट्रेड स्कूल आई थिंक ये वाली बिल्डिंग अनलॉक हुई है क्या, एक सेकेंड यार, इसमें ये भी लपड़ा देख नहीं सकता, राइट, व्हाट इज दिस, हाँ ये वाला मैंने बनवाया था, एंड एकेडमिक स्टैचू शायद ये भी मैंने बनवाया था, नहीं बनवाया क्या, सो देने कर तो भाई जरा देख लेते हैं एक बार ये वाला, हाँ ये वाला यार पास में ही तो बनवाया हुआ है हमने, यहाँ पे बनवाया हुआ है और यहाँ पे बनवाया, ओके, तो ये ऑलरेडी हमने बनवाया हुआ था पाया तो, ठीक है। सो डेफिनेटली फिर मेरे को ये निकाल के इधर लेके जाना पड़ेगा यार, ये इनके बीच में ना यार मैंने ये गलत बनवा दिया भाई, तो देखा जाए तो, क्योंकि मैं कुछ सेट नहीं कर सकता यार बीच में, ओ नो, एक काम कर तू यहाँ पे आ जा, ठीक है, इतना काम बढ़िया रहेगा अपना। अभी चलते हैं इसको स्ट्रेट बिल्डिंग लाइक दिस, मैंने एकदम ब्लॉक के हिसाब से बनाया, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर तिरछा चकर के नहीं बनाया बिल्कुल भी,
चलो भाई ये सही है ना यहाँ पे। एंड ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ कि इसके सहारे सहारे से और मैं लेके जाऊँ उधर, ठीक है। आई थिंक ये जाना चाहिए गाइस स्ट्रेट मे बी, क्योंकि इसके बाद अपनी उधर वो चली जाएगी आई, ठीक है। सो इसको इधर लेते हैं। डूड भाई तू यहाँ पे बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो मतलब ये यहाँ पे नहीं बनेगा। ओके ठीक है, फिर मेरे को कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको ही उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है फिर इस तरह से बना देते हैं। ओके कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे अब वापस से चलते हैं, और यहाँ पे आई थिंक ये वाला ट्रेड, ये वाला अपने को बिल्डिंग बनाना था राइट, और ये वाला बिल्डिंग मेरे को लगता नहीं कहीं पे भी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं कहीं पे भी। सो इसके अलावा अपने पास वैसे पुलिस अकेडमी वाली भी एक थी बिल्डिंग, ये भी मैं बनवाऊँगा, ठीक है। सो आई थिंक उसके लिए ये वाली जगह बेटर रहेगी, ठीक है। सो आई थिंक सो कितना कॉस्ट लेती है भाई अभी 1200 लगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक डाल रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। एंड ये वाली बिल्डिंग डालते हैं यहाँ पे कहीं पे, वन हेयर। एंड डेफिनेटली अपने को ये थोड़ा सा एरिया है जो एक्सपेंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे चल के, और ये वाला एरिया थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है चलेगा, कोई सीन नहीं है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट बिल्डिंग, आई थिंक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। सो यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली छोटी बिल्डिंग लग रही है मेरे को। सो आई थिंक इसके इधर दे देते हैं। और ये वाली क्या है, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल, ओके। और ये वाली है काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, सो आई होप ये यहाँ पे कहीं पे सेट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे देखा जाए तो। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, ठीक है। सो शॉर्टकट रास्ता अपने को एक देना पड़ेगा वैसे। चलो करते हैं ट्राई। समथिंग लाइक दिस, ओके देख लेंगे बाद में, अपने को एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी तो अपन एक्सपेंड भी कर देंगे। सो फिलहाल अपन ले आते भाई साहब बॉर्डर आ जाता है इधर, यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। सो अपने अभी अपन चल के थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कितना क्या हो गया है भाई। 1265 भाई 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 भाई, अट्रैक्टिवनेस तो इंक्रीज नहीं हो रही भाई। सो अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज करनी है मेरे भाई। सो अट्रैक्टिवनेस के लिए कुछ दो भाई जल्दी से, ये लेवल 5 पे आएगा आई थिंक। उसके लिए तो फिर पार्क वगैरह ही है, वो सभी लाना पड़ेगा अपने को। सो लेट्स गो वन हियर। एंड इसके अलावा ये दे देते हैं कि यहाँ पे, ठीक है। नाउ 1390 है, नहीं भाई ये भी अभी भी कम है। ओके सो डेफिनेटली हमें और ज़्यादा चाहिए चीज़ें भाई घूमने फिरने के लिए। सो ओके आई थिंक ये तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बुक क्लब आई थिंक एक दे सकते हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो एक बाहर की साइड से और रास्ता मैंने करा है। सो लेट्स सी देखते हैं कुछ फिट कर सकते हैं यहाँ पे अपन लोग। यहाँ पे आई थिंक इसके अंदर भी स्टूडेंट कैपेसिटी है। सो कुछ ऐसी बिल्डिंग नहीं थी यार, ट्राइड स्कूल कैफेटेरिया,
इससे बढ़ जाएगी आई थिंक। लेट्स सी 1600 नाइस 1600 हो गई। सो कैफेटेरिया एक अपना यहाँ पे राइट, तो कैफेटेरिया आई थिंक एक इधर भी देते गई। ओके तो एक कैफेटेरिया इधर आ जाएगा अपना और इससे ओपन बिल्डिंग आई थिंक यहाँ पे एंड कम हियर ठीक है। ओ भाई ये बिल्डिंग इसके अंदर बन गई क्या? आई थिंक यार इसको मैं शिफ्ट ही कर देता हूँ, काम करता हूँ इधर शिफ्ट कर देते। चलो इसको ले लेते थोड़ा सा सेंटर पे ठीक है। लेट्स सी तो चलो भाई अपनी अट्रैक्टिवनेस एकदम कंप्लीट हो गई, 1805 हो गई है नाइस। एक्सपेंस होना 21000 हो गया बट 27000 प्रॉफिट भी है। सो एकेडमिक ईयर अपने को चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आई थिंक हॉस्पिटैलिटी को दे देते हैं ठीक है, इस साल पे थोड़ा फंड दे देते हैं ठीक है। सो लेट्स सी ओके। सो डेफिनेटली यार आई थिंक नेक्स्ट टाइम तो अपन आई थिंक पक्का कर देंगे ठीक है इसको लेवल 5 पे, पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे 16 एकेडमिक वर्क चाहिए अपने को ओके, एंड इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सो एंड डेफिनेटली यार ये वाली जो अपना कैंपस एरिया राइट, इसको मेरे को डेकोरेट भी करना पड़ेगा ओके, और वो मैं करूँगा यार ऑफलाइन ओके, क्योंकि इसमें लगने वाला टाइम ओके। यहाँ पे बुशेज वगैरह लगा के यू नो सही से ट्रीज वगैरह लगा के सब डिलीट करके जितने भी ट्रीज खड़ी हैं, तो मेरे को ये सही से डेकोरेट करना पड़ेगा। सो ये मैं कर दूंगा बाद में, बट यहाँ पे यार बिल्डिंग्स तो एक से एक है ओके, बिल्डिंग्स तो नेक्स्ट लेवल है सारी की सारी। सो अभी आ जाते अपन यहाँ पे वापस क्योंकि एपिसोड अपना काफ़ी बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। चलो भाई 38% फुल भी हो गया ये ओके। चार बिल्डिंग अपनी चल रही हैं यहाँ पे, 13 के 13 ट्रक्स यूज हो रहे हैं भाई। जा कहाँ रहे हो तुम लोग? अच्छा एक्सपोर्ट करने जा रहे हो ठीक है भाई, बैलेंस मोड पे रखा हुआ है हमने ठीक है। चलो इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट ओके। फार्म से अपन आई थिंक इनफ मिल पा रहा है अपने को 300 टन, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज में पड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास आ चुका है नेक्स्ट बायोमास पैलेट, जिससे कि अपना दूसरा प्रोडक्ट बनेगा और उसका नाम था पेपर राइट। और ये वाली बिल्डिंग भाई काफ़ी बड़ी है ओके, एक ग्रिड के अंदर एक ही बिल्डिंग आ रही है। वन हीयर सो अनदर वन डेफिनेटली दिस साइड आई थिंक। इसके बीच में से एक रोड भी अपन निकाल देंगे ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ यार इसके अंदर 3 फिट बैठ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है। कितना प्रोड्यूस करेगी भाई? अभी ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिट्स पर वीक्स लिखा नहीं है अभी। 3300 ये भी 3300 कर रहा है ठीक है, मतलब 10000 के समथिंग अपना हो रहा है ये मान के चलते हैं अपन ठीक है। नहीं नहीं 13000 समथिंग, क्योंकि चार बिल्डिंग है ना अपने पास और यहाँ पे हमने 3 ही बनवाई है। सो विल सी, चलो कोई व्हीकल आ रहा है लेके यहाँ पर नाइस। वो व्हीकल इतनी दूर से इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से कुछ जाने का रास्ता था नहीं ठीक है, तो इसके पास से जाएगा तो यहाँ से ड्रॉप करते हुए जाएगा ओके। सो ये लो भाई कनेक्शन दे दिए मैंने ताकि इन लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो ओके। चलो भाई ये काम होना बढ़िया हो गया। प्लस यार मैं सोच रहा हूँ यार ये रोड मैं चेंज कर रहा हूँ ठीक है, इसको अपने एटलीस्ट इंडस्ट्री वाली रोड रख देते तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। इंडस्ट्री रोड टूड यार वो टैब कैसे गायब हुआ यहाँ से? आई थिंक कुछ तो मोड वोड का चेंज हुआ होगा शायद से। यप डूड इंडस्ट्री वाली रोड गायब हो गई यार, मेरे को मैनुअली फाइंड करनी पड़ेगी ओके। अच्छा ये वाला रोड है ठीक है यार, ये इंडस्ट्री वाला टाइप अलग से था ना यहाँ पे सेपरेट, कल कैसे गया भाई? ये ठीक है ठीक है, ये रोड बेटर है भाई ठीक है। चलो गाइस देखते हैं अभी क्या स्टेटस है इसका। ये भी सेम ही है, तो चार बिल्डिंग है अपने को इसकी भी चाहिए ओके, तो डेफिनेटली ताकि इक्वल हो जाएगा ना दोनों, बस सीन ये है और कुछ नहीं है, दोनों ही इक्वल हो जाएगा। सो अगर मैं इसको वैसे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, फिर देख लेंगे बाद में अगर इसके बीच में अगर कुछ बना तो हम बना देंगे, या फिर यार थोड़ी जगह भी छोड़ देना, पूरा पूरा नहीं भरते जैसे कंप्लीट सेट हो गया ना। छोड़ देता हूँ मैं, काम करता हूँ
चलो, चार बिल्डिंग ये भी हो चुकी हैं, सो डेफिनेटली मेरे को इसके लिए भी एक स्टोरेज चाहिए रहेगी। सो मैं क्या करता हूँ, ये सारी बिल्डिंग इधर ही आसपास ही है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे डाल देते हैं स्टोरेज। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पे चलते हैं स्टोरेज सेक्शन पे। और वैसे अपन चाहे तो एक बड़ी वाली स्टोरेज भी रख सकते हैं। ओके, बड़ी वाली स्टोरेज वैसे देखा जाए तो बेटर रहेगी यार, आई थिंक सो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा व्हीकल्स भी होते हैं और भी सही रहेगा। सो लेट्स सी, एक स्टोरेज यहाँ पे आ जाएगी अपनी और एक स्टोरेज आ जाएगी जहाँ पे। ठीक है, दो वेयर हाउस मैंने दे दिए यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ यार ये वाला भी मैं चेंज कर ही देता हूँ, 300-250 टन आएगा इसके अंदर, इसके अंदर 400 टन आ रहा है। ओके, ये बिल्डिंग ले रही है 160 आई थिंक, 162 एंड ये 129 ले रही है। तो इधर चलते हैं और यहाँ पे नन की जगह कर देते हैं गाइस पेपर। ठीक है, सो अभी अपने पास, और यहाँ पे 31 ट्रक्स है। ठीक है, और यहाँ पे कितने, 21, तो 10 अपने को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन डबल डबल स्टोरेज भी रख सकते भाई। ठीक है, चलो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह वो सब भी अपने पास आ चुकी है। सो यहाँ पे आ जाते हैं प्लान टिम्बर डन, एंड ऑल्सो अपन चाहें तो एक छोटी सी स्टोरेज इसके लिए रख सकते हैं, बट चलेगा। ठीक है, नाइस। सो अभी यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, चलो बढ़िया। सो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ज़रा, यहाँ पे अपने पास एक है शो डस्ट स्टोरेज। ये शो डस्ट स्टोरेज बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरेज रो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेम टू सेम ये इसे लोग यार्ड की तरह ही काम करेगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं इसके अंदर, सो चिल। एंड मैं जाता हूँ कहीं पे बीच में, आई थिंक यार ये वाला सर्कल थोड़ा सा बड़ा होता तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं स्टोरेज। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं अपन, अपने पास ऑल्सो एक बड़ा वाला भी आ गया है। सो ट्री प्लांट करने के लिए यार डूड, सेव वाली इसके अंदर नहीं आ रही है भाई, इनसाइड कोई आई थिंक आएगा नहीं मेरे हिसाब से इसके अंदर ना। तो मैं काम करता हूँ फिर इसको निकाल देता हूँ ना, इसका फिर कोई काम नहीं है यहाँ पे। करेक्ट आई थिंक, ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे अपन पार्किंग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सो यार मैंने पार्किंग का तो सोचा ही नहीं बिल्कुल भी, रियली अपने को पार्किंग के लिए भी जगह चाहिए भाई। सो आई थिंक ये वाला पूरा ब्लॉक पार्किंग के लिए सही रहेगा। सो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर बाजू में इसके। ठीक है, इसको पकड़ के थोड़ा सा सरका देता हूँ, यहाँ पे स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा। चलो सही है, ये वाले ब्लॉक को पार्किंग आई थिंक मेरे कनेक्ट करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 समथिंग बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स सी, नॉट यूनिक बिल्डिंग आई थिंक, इधर कहीं भी होती है पार्किंग वार्किंग। एक इस साइड से दे देता हूँ मैं और एक दे देता है इस साइड से। ठीक है, बाकी बीच वाले एरिया में अपना हो जाएगा ट्रीज वगैरह आई थिंक, आइडिया तो अच्छा है। सो मनो गलती से बड़ी ये अपग्रेड कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं पर डाल देते हैं घास फूस समथिंग लाइक दिस। चलो भाई, जस्ट ऐसे रैंडम सेट कराया मैंने तो। ठीक है, देख रहे हो मौसम लग रहा है, ऐसी बात नहीं है यार। और पास यहाँ पे पार्किंग लोड हो गया पूरा, क्योंकि यहाँ पे बंदे भी आएंगे ना वर्क वगैरह करने भी, तो यहाँ से आ सकते हैं इजीली, क्योंकि अभी देख रहे हो पैदल जा रहे सारे सारे। वैसे अपने यहाँ पे एक टैक्सी भी दी हुई है, बट जल्दी मैं यहाँ पे एक बस आउट बस भी स्टार्ट करवा दूँगा। ठीक है, जो की चलेगी यहाँ से। ठीक है, एंड आई थिंक इधर कहीं से घूमते हुए वापस एक लाइन इधर से चलवा देंगे, जो इधर से घूमते हुए इधर से वापस। ठीक है, आई थिंक दो लाइंस काफ़ी बेटर है, और इधर के लिए आई थिंक पार्किंग हो सकती है, वाले रोड पर भी हो सकती है, और वैसे इसका तो पार्किंग उठाएगी इधर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सीट सही है यहाँ पे एकदम। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे भी रिसोर्स से जाना जो है स्टार्ट हो चुका है।
का स्लो स्लो, ठीक है। सो इट टुक लिटिल बिट टाइम, बट आई थिंक इसके आगे का जो प्रोसेसिंग है राइट, क्योंकि उसके लिए अपने चाहिए यूनिक बिल्डिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास एक फर्नीचर फैक्ट्री जो अपन बनवा सकते हैं, नेक्स्ट अपने पास एक प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस तो खैर नहीं बने क्योंकि उसके लिए प्लास्टिक चाहिए अपने को, बट अपन फर्नीचर फैक्ट्री जरूर बनवा देंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। ओके, सो आई थिंक अपन चाहे तो फर्नीचर फैक्ट्री यानी इधर भी बनवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बंदे यहाँ पे काम करने आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तुम लोग आइडिया दे देना मेरे को यार, यहाँ पे अपन ने कैसे मिस कर दिया वाटर। चलो भाई सही है ना, यहाँ पे 0% 0.6%। ओके, तो अभी ज़्यादा बेटर है यार, यहाँ पे आँच बहुत लगती है यार मेरे को। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अपन ने जो ये वाला दिया हुआ है ना, एक अपना यहाँ पे ठीक है वैसे, ठीक है, अपने एक और देना चाहिए यार ये फैक्ट्री एरिया के लिए एटलीस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी यार बहुत फायर लगती है। सो बाय द वे ये था किसमें, इमरजेंसी सर्विसेज में, ठीक है, फायर हेलीकॉप्टर, ठीक है, आई थिंक ये वाला। सो डेफिनेटली यार अपने भी देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फॉरेस्ट्री में भी अगर आँच वाँच लग गई तो दिक्कत हो जाएगी राइट। सो लेट्स सी, डूड यहाँ पे कॉर्नर पे दे देता हूँ मैं, ठीक है, एक पोस्ट टावर एंड एक यहाँ पे, ताकि एरिया जो कवरेज में रहे। वैसे ये मैंने ज़्यादा पास में दे दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे तो नहीं, बट फिर भी ये लेता कितना है वैसे, 96 लेता है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सारा कवर है एंड ऑल्सो ये बिल्डिंग के अंदर भी आँच लगी हुई है। सो भाई साहब ये बिल्डिंग की आँच बुझी कैसे, यहाँ पे तो कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती है। बिल्डिंग जोन फायर, हेलीकॉप्टर जरूर आ सकता है यहाँ पे, बट वो शायद पानी मानी लेने गया होगा, मे भी नहीं दिख रहा कहीं भी भाई कोई हेलीकॉप्टर। ये बिल्डिंग तो ये काम सीरियसली यार, यूनिवर्सिटी के लिए अंदर आँच लगेगी तो बुझे कैसे, और नो भाई बिल्डिंग गई सीरियसली, ट्रेड स्कूल लाइब्रेरी, और नो डूड तो टाइम पे आ गया भाई साहब, बकचोदी तो है। अभी आई थिंक इसके लिए कुछ तो होता है यार, जो जिससे रिबिल्ड होता है। दिस बिल्डिंग नीड टू सर्च फॉर सर्वाइवल बाय डायरेक्टर रेस्पॉन्स यूनिट बिफोर इट कैन बी रिबिल्ड। ओके, तो डायरेक्टर वाला वो कहाँ है, आपने शायद बनवाया थोड़ी अभी तक, शायद से नहीं, शायद से नहीं बनवाया। आई थिंक ये वाली बिल्डिंग डैश डायस्टर रेस्पॉन्स यूनिट, ठीक है, तो ये बिल्डिंग अपने को बनवानी पड़ेगी बेसिकली, और आई थिंक ये इसके अंदर फिट बैठ रही है। ओके, मे बी स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, अच्छा पावर पोल बना हुआ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बन सकती है वाली बिल्डिंग, ठीक है। सो आई थिंक मे बी नेक्स्ट टाइम। सो यहाँ पे क्या सीन है भाई, कुछ हुआ क्या, नहीं 8,337 यार, प्लान तो अपना था अपग्रेड करने का, बट टाइम हो चुका गाइस काफ़ी। ओके, तो आई थिंक ये वाले एपिसोड में ये अपग्रेड नहीं हो पाएगा, और ये वाला भी अपना नेक्स्ट में होएगा, ठीक है। सो इट टुक लिटिल बिट टाइम एंड डेफिनेटली यार मैं यहाँ पे जरूर पुलिस काम देखना चाहेंगे। वैसे देखा जाए तो यार हमने यहाँ पे पुलिस का कोई बिल्डिंग नहीं बनवाया भाई इस वाले एरिया के लिए स्पेशली, प्रिजन काफ़ी दूर है अपना, प्रिजन है ये वाला, पुलिस हेलीकॉप्टर रिपोर्ट हेलीकॉप्टर पेट्रोल द सिटी, ओह नाइस, तो डेफिनेटली ये तो होना ही चाहिए भाई, करेक्ट मे बी समवेयर एल्स। तुम यार बता सकते हो मेरे को, ठीक है, कि ये कहाँ पे बनवाना चाहिए वैसे देखा जाए तो, बट ये वाला जगह भी यार इतना ख़राब नहीं है। ओके,
चलो बनवा देते हैं, ठीक है। जहाँ पे वैसे मतलब प्रिजनर्स को नहीं रख सकते। हाई कैपेसिटी एंड ये हो जाएगा अपना 16-25 कार आएंगी इसके अंदर। कहीं पे तो बनवाना पड़ेगा मेरे को ये बिल्डिंग। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे दे दूँ क्या इसको, तो ये वाला एरिया पूरा कवर में आ जाएगा और आई थिंक इस साइड में भी हेल्प मिल जाएगी। चलो यहाँ पे बनवा रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे इसको अपन अलग से बनवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पुलिस की बिल्डिंग एकदम घर के बाजू में रहेगी। वैसे तो रह भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन फिर भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं उधर बनवाने का। फाइनली अपना यहाँ पे हेलीकॉप्टर टाइप का बन चुका है। इसके अंदर पानी की ज़रूरत है भाई। चलो गाइस, आई थिंक अपना एपिसोड आज का काफ़ी बड़ा हो चुका है। ओके, एक काम करते तो आगे आ जाओ, तो भी आ जाओ आगे। चलो ये नाइस, एक हेलीकॉप्टर को फॉलो करते भाई, ठीक है। आई थिंक गाइज आज का एपिसोड बस इतना ही। और ये एपिसोड तुमको कैसा लगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम करेंगे, इतने जल्दी हम भागेंगे नहीं, तो यार पूरा काम ख़राब हो जाएगा सिटी का। यहाँ पे देख रहे हो 2 ब्लॉक बचे हुए हैं अभी। मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाऊँ इधर 2 ब्लॉक के अंदर बिल्डिंगों के अलावा, तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो मेरे को। ओके भाई, बिल्डिंग के ऊपर इधर आएगा क्या ब्रो? ओके, मेरे को लगा इधर ही तार रहा है भाई। भाई खतरनाक बंदा है, इसके ऊपर तार तो चले भाई। भाई क्या ही लग रही है सिटी, माय गॉड, एक नंबर। ओके बताओ सिटी के अंदर कोई दिक्कत है तो, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं? अपना देखने में ऑसम लग रही है सिटी। धीरे धीरे करेंगे भाई, एक्सपेंड करेंगे धीरे धीरे। भाई तू यहाँ कहाँ उतार रहा है भाई? अच्छा, ये फैसिलिटी आ गई, मुझे लगा हाईवे पे उतार। चलो भाई ठीक है। गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक करो यार, अभी इतनी दूर तक आ गए हो देखते हुए, तो सब्सक्राइब मारो, शेयर करो यार, शेयर जरूरी है। ओके, अगर तुम लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करोगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि बाकी लोगों तक वीडियो पहुँच नहीं पाएगी। तो लाइक दबा दिया करो यार, एक छोटा सा ही बटन है बस, ठोक दिया करो उस पर लाइक। एंड हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वाले एपिसोड में। Enjoy!